Hello students, welcome to Shanukutan CAC classes. In this video we will see database management system, that is DBMS, introduction and comparison with the file processing system. So in this video we will cover the following topics. So starting with the introduction to DBMS. So DBMS padhne se pehle we should know first of all what is data, okay, and what is information. So data is simply a raw and isolated facts about an entity, okay, like in the form of text, numbers, audio, video. So simply agar hum baat kare to data kya hota hai, koi bhi fact jise hum record karke rakh sakte hain in the form of text or number or images, audios, videos or speech or in the form of maps even, to ise hum kehte hain data. Jab ye data process hota hai, रॉ फैक्ट जब प्रोसेस होता है देन वो बन जाता है इन्फॉर्मेशन. ओके, सो अभी हम बात करेंगे डेटा की. सो अब डेटा हमें क्लियर है, व्हाट इज डेटा? इट्स एनी फैक्ट दैट कैन बी रिकॉर्डेड, ओके, इन द फॉर्म ऑफ गिवन एग्जांपल्स लाइक टेक्स्ट नंबर्स. नाउ डेटाबेस क्या है? दैट इज डीबी. तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. तो ऐसा डेटा जो आपस में इंटर रिलेटेड है, अगर हम उसे कलेक्ट करके रखते देन दैट इज़ अ डेटा बेस. तो ट्रेडिशनली हम जिस डेटा को कलेक्शन करते हैं कंप्यूटर्स में, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स, ओके, लाइक नेम ऑफ द स्टूडेंट, एज ऑफ द स्टूडेंट, कॉन्टेक्ट नंबर, ई मेल आई डी, कॉलेज नेम. ये सारे क्या हैं? ट्रेडिशनल डेटा हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स, जिसे हम टी डी बी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल डेटा बेस. बट नाउडेज क्या हो रहा है, जो डेटा इंटरनेट में अवेलेबल है वो सिर्फ टेक्स्ट एंड नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया. तो उस तरह के डेटा को हम कहते हैं मल्टीमीडिया डेटाबेस, जिसमें वीडियोज आ जाते हैं, स्पीच लाइक ऑडियो, सॉन्ग्स एंड मूवीज आ जाते हैं. तो ऐसे बहुत से एप्लीकेशन हैं जो वीडियोज का कलेक्शन रखते हैं, मूवीज का कलेक्शन रखते हैं, सॉन्ग्स का कलेक्शन, स्पीच का कलेक्शन. तो ये सबका कहीं ना कहीं एक डेटा बेस होता है. ओके, सो इसलिए इस तरह के डेटा के कलेक्शंस को हम कहते हैं मल्टीमीडिया डेटाबेस. सिमिलरली हम देखते हैं गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं, इमेजेस ऑफ अर्थ हम देखते हैं. तो कलेक्शन ऑफ इमेजेस ऑफ अर्थ का जो कंसेप्ट आता है, तो उस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं, उस तरह के डेटाबेस को हम कहते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज GIS. और इसके अलावा और रियल टाइम डेटाबेस भी होता है जो कि फ्रिक्वेंटली टाइमली चेंज होता रहता है, लाइक जो प्रोडक्शन में रहता है डेटा, ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. सो डे बाय डे ये चेंजिंग रहता है, इसलिए हम इसे रियल टाइम डेटाबेस कहते हैं. आप इसे स्टोर का डेटा या सुपरमार्केट से भी कंपेयर कर सकते हो, लाइक सुपरमार्केट में जो डेटा है, प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो वेरिंग होते रहते हैं. जैसे जैसे वो परचेस करते हैं, ऑर्डर करते हैं, देन वो सेल होते हैं, तो उनकी क्वान्टिटी, नंबर्स चेंज होती जाती है ऑन द रियल टाइम बेसिस. तो इस तरह का डेटा होता है रियल टाइम डेटाबेस. इसके अलावा एक और डेटाबेस होता है डेटा वेयरहाउस. तो नाउ डेटा वेयरहाउस कैसे डिफरेंट है डेटाबेस से? तो डेटा वेयरहाउस जनरली एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ठीक है, बट हिस्टोरिकली फॉर्म में होता है. मींस अगर हमें पास्ट 100 ईयर्स का डेटा रखना है तो हम उसे डेटा वेयरहाउस में रखते हैं. तो कंपनीज जनरली डेटा वेयरहाउस का यूज़ करती हैं बिकॉज उनके पास पास्ट 100 ईयर्स का डेटा वो सेव करके रखते हैं, सो दैट उस डेटा को एनालाइज करके वो डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प कर सके कि लास्ट 30 ईयर्स के सेल्स कैसे हुए हैं, लास्ट 30 ईयर्स में किस प्रोडक्ट के सेल्स ज़्यादा हुए हैं या कम हुए हैं, सो दैट उन्हें आगे के लिए किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर डिसीजन लेना हो, उसे कैसे हमें सेल करना है या मार्केटिंग करनी है, तो वो उसके हिसाब से एनालाइज करके निकल जाता है. सो डेटा वेयर हाउस इज़ अ ह्यूज एंड हिस्टोरिकल कलेक्शन ऑफ द डेटा. तो ये हो गए सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस. हम जो डेटाबेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल डेटाबेस. तो इस तरह के डेटाबेस को जनरली हम ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, उसे हैंडल करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज के थ्रू हैंडल करते हैं, और ये जनरली अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, तो जिसे हम बिग डेटा या हडूप टेक्नोलॉजी से भी हैंडल कर सकते हैं. तो नॉर्मली जो ये टेक्स्ट और नंबर्स के फॉर्म में जो डेटा रहता है, सो नाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखते हैं क्या होता है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मींस
ये एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम के पहले मैनेजमेंट, मीन्स इट्स अ मैनेजमेंट सिस्टम। किसका मैनेजमेंट करता है? ये डेटाबेस का मैनेजमेंट करता है। सो ये जो डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को या इस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो इस डेटा को हैंडल करता है। मीन्स ये डेटा क्रिएट कैसे होगा, ये डेटा स्टोर कैसे होगा, ये डेटा अपडेट कैसे होगा, रिट्राइव कैसे होगा, डिलीट कैसे होगा, ठीक है। तो ये सारा मैनिपुलेशन है, ये हम इस प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इट इज़ सिंपली अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और वी कैन से अ सॉफ्टवेयर यूज टू डिफाइन, स्टोर एंड मैनिपुलेट द डेटाबेस। मैनिपुलेट में हम अपडेट, रिट्राइव, डिलीट, ये सब आ जाता है। सो दिस इज़ अ डेटाबेस एंड दिस इज़ अ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ इन दोनों को मिला के जो सिस्टम बनता है, डेटाबेस भी है जिसमें, और जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं डेटाबेस सिस्टम, जहाँ हम डेटाबेस को कलेक्ट करके रखते हैं किसमें, इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है विद सम कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। नाउ नेक्स्ट द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, DBMS क्या है, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, किस तरह का डेटा रखता है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज, ओके। सो अगर किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के बारे में ये डेटा कलेक्ट करके रखता है, देन वी कैन डिफाइन इट। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ये कलेक्शन रहता है इंटर रिलेटेड डेटा, मीन्स जो डेटा आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। लाइक अगर हम किसी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस रख रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में क्या क्या डेटा होता है, स्टूडेंट नेम होता है, उसका सेमेस्टर, ब्रांच, क्लास, फैकल्टी कौन से पढ़ा रहे हैं, सो ये सारे डेटा आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। लाइक स्टूडेंट का डेटा, टीचर्स का डेटा, लाइब्रेरी का डेटा, सो दैट्स वाई DBMS इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। नेक्स्ट, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस द डेटा, ओके। तो DBMS में क्या होता है, एक्चुअली सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू ये जो डेटा है हमने क्रिएट किया है, उसे हम एक्सेस कर पाएँ। एंड ऑल्सो साथ ही साथ ये एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, तो इट इज़ एन एनवायरमेंट दैट इज़ बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशियंट टू यूज़, ओके। सो एक बहुत ही कन्वीनियंट एंड एफिशियंट एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, सो दैट जो हमने डेटा स्टोर किया है उसे हम properly handle कर सकें, manipulate कर सकें। So DBMS stores data in such a way that it becomes easier to retrieve, manipulate and produce informations. So पहले के time में क्या होता था, हम datas को generally Excel form में रखते थे। Excel form में अगर हमें बहुत ही small set of data को collect करके रखना है और उसमें हमें operations perform करने हैं, तो हम Excel form में, tables के form में रख सकते थे। But अगर ये day by day data increase हो रहा है जिसे हम मैनुअली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सो उस केस में हमें एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमारे ह्यूज डेटाबेस को हैंडल कर सके। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स के लिए मेन जो फेमस है, ओरेकल, SQL, MySQL, दीज आर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। साथ ही साथ MS Access, DB2, इट इज़ IBM DB2, DBase, FoxPro, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं दैट लोएस्ट लेवल में हमारा डेटाबेस स्टोर होता है। इस डेटाबेस से इंटरेक्ट कौन करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और एंड यूज़र डायरेक्टली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डेटाबेस को हैंडल कर सकता है, या एंड यूज़र एक डायरेक्ट डेटाबेस एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है, जैसे कि ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स में होता है। ऑनलाइन रिजर्वेशन या रेलवे रिजर्वेशन में आपको एक एप्लीकेशन मिलती है IRCTC की, आप उसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरनली IRCTC डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डेटाबेस में डेटा क्रिएट करता है, स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है। तो दिस इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिक्स। नाउ नेक्स्ट आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशंस। अब कहाँ कहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का यूज़ होता है? नाउ अगर हम अपनी लाइफ को देखें, तो हम ये देखेंगे कि हम डेली किसी ना किसी डेटाबेस एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ऑनलाइन बैंकिंग की, अगर हमें मनी ट्रांसफ़र करना है, तो वी विल डू ऑनलाइन बैंकिंग, जिसके लिए हम एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन
के थ्रू एक्सेस करते हैं। वैसे ही अगर आपको रिजर्वेशंस करानी है रेलवेज में या एयरलाइंस में, देन यू हैव टू यूज सम काइंड ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ आइदर रेलवेज और एयरलाइंस टू रिजर्व योर टिकट्स। सो इंटरनली वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वो डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं टू स्टोर एंड मैनेज योर डेटा एंड रिप्लाई एज पर द क्वेरी। यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट का डेटा, टीचर्स का डेटा, उनके एनरोलमेंट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारा डेटा स्टोर रहता है। सो डे टू डे लाइफ में हम कहीं ना कहीं से जुड़े हुए, इवन ऑनलाइन रिटेलर्स के थ्रू, जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, ईबे एंड स्नैपडील, दीज आर एप्लीकेशंस बाय विच यू आर यूजिंग दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशंस। सो इस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक बैंकिंग में हम क्यों यूज़ करते हैं डेटाबेस एप्लीकेशंस का, फॉर कस्टमर्स इंफॉर्मेशन, कस्टमर्स की अगर इन्फॉर्मेशन हमें रखनी है, अकाउंट्स एंड लोन्स की इन्फॉर्मेशन रखनी है, या बैंकिंग के सारे ट्रांजेक्शन्स की इन्फॉर्मेशन रखनी है। सो ये बैंकिंग इस तरीके से DBMS का यूज़ करता है। एयरलाइंस में हम रिजर्वेशंस कराने के लिए या फिर शेड्यूल्स इन्फॉर्मेशन अगर हमें निकालनी है फ़्लाइट्स की, सो हम उसके लिए एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जनरली स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, कोर्स रजिस्ट्रेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स हैं उसमें रजिस्टर करने के लिए, और उनके ग्रेडिंग्स उसमें शो करने के लिए ये एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं। सेल्स में कस्टमर्स के सेल्स कैसे हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स कौन कौन से सेल्स हो रहे हैं, परचेस की सारी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में प्रोडक्शन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किस प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इन्वेंट्री रिलेटेड जो डेटाज हैं, ऑर्डर रिलेटेड, सप्लाई चेन रिलेटेड डेटा, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन में आ जाता है। ह्यूमन रिसोर्स इन द सेंस सारे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स, उनकी सैलरीज का रिकॉर्ड्स, उनके टैक्स डिडक्शंस, ये HR डिपार्टमेंट, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है। ऑनलाइन रिटेलर्स ऑर्डर्स को ट्रैक करते हैं एंड कस्टमर को रिकमेंड करते हैं इवन कि कौन से प्रोडक्ट्स उन्हें लेना चाहिए। तो उस हिसाब से हम देखें तो हमारा डे टू डे लाइफ कहीं ना कहीं DBMS एप्लीकेशन से कनेक्टेड रहता है, और इसके बिना हमारा काम थोड़ा अधूरा भी हो जाता है। सो इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए, कि इसे बहुत अच्छे से वो पढ़े। नेक्स्ट, डेटाबेस सिस्टम अभी हमने देखा, तो अगर एक बात करें डेटाबेस सिस्टम की तो ये कैसा होता है। डेटाबेस सिस्टम में डेटाबेस, तो डेटाबेस कैन बी वेरी लार्ज एंड इट टचेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स। ओके, सो अब डेटाबेस सिस्टम्स किस लिए डिज़ाइन करते हैं हम, दे आर डिज़ाइन टू मैनेज लार्ज बॉडीज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, डेटा है जिसे हमें मैनेज करना है, देन वी हैव टू यूज़ द डेटाबेस सिस्टम्स। ओके, नाउ डेटाबेस सिस्टम के मैनेजमेंट में अब हमें क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन सम स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में किस तरीके से स्टोर होना है, तो हमें डिफाइन करने पड़ते हैं स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हमें कुछ मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर मैनिपुलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। इन एडिशन डेटाबेस सिस्टम्स को सेफ्टी पर्पस के हिसाब से इंश्योर भी करना पड़ता है कि जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ है उसकी सेफ्टी रहे, वो सिक्योर रहे। सो दिस इज अबाउट डेटाबेस सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। सो अर्ली डेज में जब डेटाबेस एप्लीकेशंस नहीं हुआ करते थे तो डेटा हम कहाँ स्टोर करके रखते थे, नॉर्मली हम डेटा फाइल्स में स्टोर करते थे, और फाइल्स में डेटा को स्टोर करने को हम कहते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, या सिंपली अगर हम बोलें तो फाइल सिस्टम्स। ठीक है, तो फाइल सिस्टम्स जनरली क्या होते हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स एंड मैनेज फाइल्स इन अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क। नॉर्मली हम फाइल्स को कहाँ स्टोर रखते हैं, हार्ड डिस्क में हमारी फाइल्स स्टोर रहती हैं, और फाइल्स किसी न किसी डायरेक्टरीज में होती हैं। इस तरीके से लेवल बाय लेवल हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। सो लाइक ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ मास्टर फाइल डायरेक्टरी, इसके अंदर कुछ यूज़र फाइल्स हैं, ठीक है, और यूज़र फाइल डायरेक्टरीज हैं, और उस डायरेक्टरीज के अंदर फिर अलग अलग फाइल्स हैं। सो इसमें जनरली हम अलाउ रहता था कि हम एट ए टाइम सिर्फ एक फाइल्स को एक्सेस कर सकें, ठीक है, तो इट अलाउज एक्सेस टू सिंगल फाइल्स और टेबल्स एट ए टाइम। ओके, डेटा डायरेक्टली इन फाइल्स में स्टोर होता था। ओके, डेटा इज डायरेक्टली स्टोर्ड इन सेट ऑफ फाइल्स। तो ये जो फाइल्स रहती थी इनका आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं रहता था, तो इसलिए इस तरह की फाइल्स को हम कहते थे फ्लैट फाइल्स।
तो इट कंटेन्स फ्लैट फाइल्स दैट हैव नो रिलेशन टू अदर फाइल्स. फाइल सिस्टम में क्या होता था, फाइल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फाइल्स विच आर ग्रुप्ड इनटू डायरेक्टरीज एंड डायरेक्टरीज फर्दर कंटेन अदर फोल्डर्स एंड फाइल्स. तो इसका एग्जाम्पल NTFS, ओके, दैट इज न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एंड EXT एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम. ये वाला NTFS जनरली हम विंडोज सिस्टम में यूज़ करते हैं, EXT फाइल सिस्टम हम लिनक्स सिस्टम्स में यूज़ करते हैं. तो फाइल सिस्टम में बहुत सी इश्यूज थे जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. तो इसे अगर कंपेयर करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है दैट अलाउज यूजर्स टू एफिशिएंटली डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन एंड शेयर द डेटाबेसेस. ओके, तो इसके थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल्स हैं लाइक ओरेकल, MySQL, MS SQL Server, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट SQL Server, IBM का DB2, माइक्रोसॉफ्ट और MS Access, DBase, FoxPro, SQL Lite, PostgreSQL, MariaDB एंड मैनी मोर. सो नेक्स्ट अब आते हैं ये फाइल सिस्टम्स का ड्रॉबैक क्या क्या थे. ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम्स टू स्टोर डेटा. फाइल सिस्टम को यूज़ करके हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही थी जिसकी वजह से हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशंस की तरफ मूव करना पड़ा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मेन इशू है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी. तो डेटा रिडंडेंसी का कंसेप्ट क्या होता है, सिंपली रिडंडेंसी मीन्स रिपीटेशन ऑफ डेटा. इट मीन्स हर डेटा की एक से ज़्यादा सिंगल कॉपीज प्रेजेंट रहती थी. कैसे, मल्टीपल फॉर्मेट्स में, अलग अलग फॉर्मेट्स में. तो अगर मल्टीपल यूजर्स यूज़ कर रहे हैं सपोज सेम फाइल को, तो हर यूज़र के पास अपनी अपनी एक कॉपी होगी. तो अगर अलग अलग कॉपी अपना यूज़ कर रहे हैं बट डेटा सबका सेम है, तो इस तरीके से मल्टीपल कॉपीज़ हो गई और इस तरीके से डुप्लीकेशन हो गया. और सपोज़ अगर एक यूज़र ने अपने में डेटा अपडेट कर दिया तो वो दूसरे यूज़र के पास अपडेट नहीं होता है, तो इस तरीके से इनकंसिस्टेंसी रहेगी. ओके, तो ऑल कॉपीज़ मे नॉट बी अपडेटेड प्रॉपरली. तो ये इश्यूज था रिडंडेंसी के साथ, रिडंडेंसी की वजह से इनकंसिस्टेंसीज आने लगी थी डेटा में. नाउ नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा. यहाँ पे डेटा फाइल्स में स्टोर है और उसे एक्सेस करने के लिए हर बार हमें एक नया प्रोग्राम लिखना पड़ता है. एक सिंपल एक इंस्ट्रक्शन लिखे जिसे हम बार बार रन करा दें, ऐसा नहीं है. वी नीड टू राइट न्यू प्रोग्राम टू कैरी आउट ईच न्यू टास्क. नेक्स्ट इशू है डेटा आइसोलेशन का. डेटा आइसोलेशन में डेटा क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, वी नो, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी होता है समटाइम्स. सो अगर उसे एक्सेस करना है बिकॉज वो स्कैटर्ड है, तो इसके लिए हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है टू राइट न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स सो दैट टू रिट्राइव द अप्रोप्रिएट डेटा. नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में काफ़ी डिपेंडेंसी हो जाएगी. क्यों, क्योंकि अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं फाइल में तो हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में भी चेंजेस करने पड़ेंगे. ये एक दिक्कत है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स. इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स में सपोज़ अगर हमें कोई एक कंस्ट्रेंट देना है लाइक अकाउंट में जो बैलेंस है वो ज़ीरो से कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन ज़ीरो. कुछ ना कुछ अकाउंट में आपके बैलेंस होना चाहिए. तो अगर इस तरीके का कंस्ट्रेंट्स देने होते हैं तो फाइल्स में ये कंस्ट्रेंट्स ऐड करना, ठीक है, या अगर कोई एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट हमने दिया है उसे चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स उसमें रहती हैं. एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी हम ट्रांजेक्शन्स के बारे में डील करते हैं तब एटॉमिसिटी का कंसेप्ट आता है. कि एटॉमिसिटी और ट्रांजेक्शन मतलब ऑल और नथिंग. या तो अगर हम कोई मनी ट्रांसफ़र करते हैं किसी को, या तो वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो, अगर हम 50 रुपीज़ भेज रहे हैं तो कम्प्लीटली 50 रुपीज़ जाए या फिर ना जाए. ठीक है, अगर बीच में कुछ फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से आधा गया आधा नहीं गया, या एक का डेबिट हो गया बट दूसरे के में क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये इश्यूज आते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ट्रांजेक्शन शुड बी आइदर ऑल और नथिंग. तो इस फीचर को हम कहते हैं एटॉमिसिटी. तो फेलियर्स की वजह से क्या हो जाता है फाइल्स में ऐसी दिक्कत आ जाती है कि प्रॉपरली हैंडलिंग नहीं हो पाती है इस फीचर का. सो फेलियर्स मेनली डेटाबेस इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट विद पार्शियल अपडेट्स कैरिड आउट. ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैंने बताया अगर हम फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से, तो या तो वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होना चाहिए या तो कम्प्लीटली नहीं होना चाहिए. द कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स.
तो कॉन्करेंट एक्सेस मतलब अगर सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर्स सेम फाइल को एक्सेस कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, इस वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ इनकंसिस्टेंसीज क्रिएट हो जाती हैं जिसे फाइल सिस्टम हैंडल नहीं कर पाता है। सो अनकंट्रोल्ड कॉन्करेंट एक्सेसेस कैन लीड टू इनकंसिस्टेंसी इन फाइल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, टू पीपल रीडिंग अ बैलेंस, रीड कर रहे हैं बैलेंस और अपडेट कर रहे हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। बट DBMS में क्या होता है, कॉन्करेंट एक्सेस को मैनेज करने के लिए लॉकिंग सिस्टम होता है, तो जिसके थ्रू वो इजीली हैंडल कर लेता है कॉन्करेंट एक्सेसेस को। लास्ट वन इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो भी डेटा हम स्टोर करके रख रहे हैं फाइल्स में, दैट शुड बी सिक्योर्ड फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, बट फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर पाना काफ़ी हार्ड हो जाता है। सो इट इज़ हार्ड टू प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू सम बट नॉट ऑल डेटा। इट मीन्स अगर हम चाह रहे हैं कुछ ऐसा डेटा, सपोज हमने डेटा स्टोर करके रखा है टीचर्स के सैलरीज़ का, सो टीचर्स की सैलरीज़ की इंफॉर्मेशन हम नहीं चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स देखें, बट टीचर्स देख सकें और स्टूडेंट्स नहीं देख सकें। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है आइदर सम बट नॉट ऑल, तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर पाना फाइल्स में बहुत ही टफ हो जाता है। सो सिंपली ये सबका सॉल्यूशन क्या है, अगर हम फाइल सिस्टम में डेटा को लिखते हैं इन द सेंस नोटपैड में, जैसे हम पहले लिखते थे नोटपैड में डेटा लिखकर उसे स्पेसेस या टैब से सेपरेट करके एक टेबल्स के फॉर्म में शो करने की कोशिश करते थे ताकि इजीली डेटा समझ में आए, बट इसमें इतने सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से हमें डेटाबेस सिस्टम्स को यूज़ करना पड़ा। सो ये सारे सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम्स का प्रोवाइड करता है डेटाबेस सिस्टम, ओके। सो डेटाबेस सिस्टम ऑफर सॉल्यूशंस टू ऑल दी अबव प्रॉब्लम्स। सो प्रीवियस प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम डेटाबेस सिस्टम्स के एडवांटेजेस को मेंशन कर सकते हैं ओवर द फाइल सिस्टम्स। सो डेटाबेस सिस्टम हैव नो रिडंडेंट डेटा, बिकॉज रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं हम डेटा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। तो आगे जाके हम डेटा नॉर्मलाइजेशन भी पढ़ेंगे जिसमें डुप्लीकेशंस ऑफ डेटा को वो रिमूव करता है सो दैट इट इम्प्रूव द एक्सेस टाइम, ओके। नेक्स्ट इज डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी, ये दोनों को मेंटेन करता है, डेटा कंसिस्टेंट रहता है और इंटीग्रिटी भी उसमें हमेशा रहेगी। नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इसे परफॉर्म किया जाता है। डेटा सिक्योरिटी, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी मीन्स हम इजीली बहुत से कंस्ट्रेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस को रोक सकते हैं और लिमिटेड और ऑल टाइप का जो एक फीचर है सिक्योरिटी हम दे सकते हैं, अलग अलग यूजर्स के हिसाब से अलग अलग एक्सेस दे सकते हैं डेटा का। प्राइवेसी रहता है, मींस लिमिटेड एक्सेस रहता है, मींस प्राइवेसी ऑफ डेटा, इजी एक्सेस टू डेटा होता है, इजीली और फास्टली हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इजी रिकवरी प्रोवाइड करता है डेटाबेस सिस्टम्स बिकॉज डेटा का बैकअप हम इसमें ले सकते हैं और फुल रिकवरी भी हो सकती है इन केस अगर कोई फेलियर अकर होता है तो। सो लास्टली इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है, देन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। सो दिस इज़ अ डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ टेबल, यू कैन जस्ट व्यू इट, ओके। सो व्हाट इज फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड ऑर्गेनाइजेस द फाइल्स इन अ स्टोरेज मीडियम हार्ड डिस्क विदिन अ कंप्यूटर। DBMS इज अ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस, ओके। सेकेंडली रिडंडेंट डेटा फाइल सिस्टम में प्रेजेंट होता है, DBMS में नो रिडंडेंट डेटा। फाइल सिस्टम में बैकअप एंड रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं है अगर फेलियर होता है, डेटा लॉस होता है तो, बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बैकअप एंड रिकवरी का इजीली हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइल सिस्टम में कोई भी क्वेरी प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है कि हम क्वेरी लिखें और हमें डेटा मिल जाए, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हमें मैनुअली जाके डेटा को सर्च करना पड़ता था, बट यहाँ पर हम इफ़िशेंट क्वेरी प्रोसेसिंग सिस्टम देते हैं, हमें क्वेरीज लिखना पड़ता है, ठीक है, उस क्वेरीज का हमें रिप्लाई मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइल सिस्टम में कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी बहुत ही कम रहती है, मींस इनकंसिस्टेंसी ज़्यादा होती हैं ड्यू टू डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा आइसोलेशंस, एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा कंसिस्टेंसी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वी यूज इन द DBMS। फाइल सिस्टम इज़ लेस कॉम्प्लेक्स उस करने में, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इन कंपेयर टू फाइल सिस्टम्स। फाइल सिस्टम्स लेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू DBMS, एंड DBMS हैज़ मोर सिक्योरिटी मैकेनिज्म एज कम्पेयर टू फाइल सिस्टम। लास्टली DBMS से फाइल सिस्टम एक्सपेंसिव कम होता है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, एंड DBMS कंपेरेटिवली हायर कॉस्ट देन अ फाइल सिस्टम।
So this is a difference between paracetamol and DBMS. So thank you so much for watching this video. Hello friends, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें, और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें।